पुलिस अधीक्षक इराज राजा के निर्देशन में क्षेत्र अधिकारी के नेतृत्व में आज एसओजी टीम थाना डकौल प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र पटेल पुलिस कर्मी के साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे सर्विस लेन पर मुठभेड़ हुई, जिसमें दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इराज राजा ने बताया कि थाना डकौल पर मुकदमा में अभियुक्त आरिफ खान पुत्र पप्पू खान निवासी मोहल्ला चुरखीवाल जालौन की पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुए हैं। एक अन्य अभियुक्त नुमान खान उर्फ अमन खान पुत्र सकील निवासी रापटगंज जालौन को घटना में प्रयुक्त ऑटो एवं 315 बोर का अवैध तमंचा तथा 315 बोर की दो जिंदा कारतूस 3 खोखे के साथ गिरफ्तार किया गया है, जो अपहरण एवं हत्या करने के मामले में वांछित अभियुक्त है। बताया जा रहा है कि बीती 26 फरवरी 2023 को मृतक प्रेम बाबू निवासी डकौर उम्र लगभग 65 वर्ष की गुमसुदगी थाना डकौर पर सूचना दी गई थी। विवेचना के दौरान इसी मुकदमा में धारा 364 आईपीसी में तरमीम किया गया था कि मृतक के पुत्र समरजीत ने पूछताछ में मोहित पुत्र राजू वाल्मीकि निवासी जालौन का नाम प्रकाश में आया, जिसको 6 मार्च 2023 को गिरफ्तार कर गहनता से पूछताछ की गई तो अपहरण कर हत्या करना स्वीकार किया। अभियुक्त की निशानदेही पर अपहत का शव कोतवाली औरैया क्षेत्र के यमुना से लगे जंगल में बरामद किया गया था। अभियुक्त द्वारा घटना में शामिल अपने अन्य साथियों के नाम भी बताए गए हैं, जिसमें वांछित अभियुक्त 7 मार्च 2023 को अभियुक्त आरिफ व नोमान को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है तथा अभियुक्त के पास से घटना में प्रयुक्त ऑटो भी बरामद किया गया है। अभियुक्त से पूछताछ में नामजद अभियुक्त फूल सिंह शत्रुधन द्वारा 2 लाख रुपए में अपहरण कराकर हत्या को अंजाम देने की सुपारी देना स्वीकार किया गया है। उक्त घटना में जमीनी संबंध बताया गया है। बाकी अभियुक्त की गिरफ्तारी जल्द ही की जाएगी। संवाददाता संतोष सोनी की रिपोर्ट। डकौर थाना क्षेत्र में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड पर अभी थोड़ी देर पहले एसओजी एवं डकौर थाना पुलिस के द्वारा एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 अपराधी पकड़े हुए हैं। एक अपराधी आरिफ खान उस मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से घायल हुआ है। ये पूरा प्रकरण प्रेम बाबू राठौर एक व्यक्ति हैं, डकौर थाना क्षेत्र के रहने वाले थे और ये 26 तारीख से मिसिंग थे। इनकी गुमशुदगी दर्ज की गई थी एवं कुछ दिन बाद इनके परिवार वालों ने ये शक जताया था कुछ लोगों पर जो कि इनके ही जानकार थे कि ये इनको कहीं ले गए हैं और कुछ अनहोनी इनके साथ घटना संभवतः हो गई हो। तो इसके संबंध में तत्काल हम लोगों ने अपहरण का मुकदमा पंजीकृत किया था एवं उसी समय से टीमें लगातार इनको ढूंढने का प्रयास कर रही थी। तो इस संबंध में कुछ नाम हमारे सामने क्लियर हुए सूचना के आधार पर। जब हमने उन पर काम किया तो उसमें ही आरिफ नौमान और मोहित इन लोगों के एवं अन्य लोगों के नाम सामने आए। सबसे पहले इसमें कल मोहित की गिरफ्तारी हुई, जिसकी निशानदेही पर औरैया में जंगल से जो प्रेम बाबू राठौर हैं उनका शव वहाँ से बरामद हुआ। शव की बरामदगी के उपरांत हमारी टीमें लगातार इनको बाकी अपराधियों को खोजने का प्रयास कर रही थी। इसमें आरिफ और नौमान की हमें सूचना मिली कि ये यहाँ से कहीं निकल भागने की फिराक में है। तो जब इनको कॉम्बिंग के दौरान रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने फायर किया। जवाबी फायर में आरिफ के पैर में गोली लगी और ये उसमें घायल हुआ है। इस संदर्भ में और भी नाम कुछ प्रकाश में हैं, उन पर भी हम लगातार काम कर रहे हैं। घटना का होने का कारण जो इनका मर्डर हुआ प्रेम बाबू राठौर का, उसके पीछे कारण अब तक जो निकल के सामने आया है कि कुछ प्रॉपर्टी विवाद इनके ही परिवारी जनों के साथ इनका है और यही आशंका इनके पुत्र ने भी व्यक्त की है। तो इस एंगल पर भी हम काम कर रहे हैं और अब तक की पूछताछ में पता चला ये जो तीनों लोग हैं मोहित आरिफ और नौमान, इनको शत्रुघ्न और फूल सिंह इन लोगों ने 2 लाख की सुपारी दी थी इनको मारने के लिए। और उस दिन जिस दिन ये 26 तारीख को प्रेम बाबू अपने घर से निकले थे तो फूल सिंह के साथ स्कूटी पर बैठ के अपना निकले थे, जो कि हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तस्दीक भी किया था। और फिर उसके बाद ये उरई से इनके साथ किसी बहाने से ये सभी लोग इनको वहाँ पर ले गए थे और ले जाके औरैया में इनके साथ ये घटना इन लोगों ने कारित की और पहले गला दबाया और फिर जो अभी तक प्रथम दृष्टि नज़र आ रहा है गला दबाया और उसके बाद इनके चाकू से वार भी किए, उसके उपरांत इनकी मृत्यु वहाँ पर हो गई थी और शव को डिस्पोज करके सब अपना अपना भाग गए।